यस फ्रेंड्स, सो अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो पार्टनरशिप में डिसोल्यूशंस का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं पीसमील। डिस्ट्रीब्यूशन, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, इसके बाद फिर इसके हम मेथड्स को समझेंगे। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि आपने डिसोल्यूशन किया, हम लोग कहते हैं कि डिसोल्यूशन हुआ, डिसोल्यूशन में एसेट्स बेच दी आपने, एसेट्स बेच के आपने जो लाइबिलिटीज थी उन्हें पे कर दी, बट क्या वो एक ही दिन में हो जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूशंस, एसेट्स बेचना, ये एक लंबी प्रोसेस है, चलती रहती है। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि सपोज करिए कोई बंदे ने एसेट्स बेची, तो वो जो एसेट्स बेची उससे जो पैसा आया वो पैसा किसे दिया जाएगा, पैसा किसको दिया जाएगा? तो पीसमील का मतलब है टुकड़ों में पैसा आ रहा है और उस टुकड़ों में पैसे को हम बांटेंगे, तो किसको पहले दिया जाए इस कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है मैक्सिमम लॉस मेथड, एक है मैक्सिमम लॉस मेथड, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, और इसी को हम कहते हैं हायर रिलेटिव मेथड, या और भी कोई नाम हो सकता है, कंसेप्ट दो ही है। मैक्सिमम लॉस का मतलब समझिए, सपोज करिए आज मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं, पहले इससे आपको समझ में आएगा। ये मेरी एक बैलेंस शीट है, यहां मेरे कैपिटल अकाउंट हैं ए बी सी के। ए का बैलेंस है 15,000, बी का बैलेंस 18,000, सी का बैलेंस 9,000, और मेरे पास एसेट्स है, मान लीजिए जो एसेट से रियलाइज हुआ है मेरे पास बैंक बैलेंस, मान लीजिए मैं कहता हूँ 4,000 रुपया है, जो टोटल पैसा है वो बाकी 4,000 ही है और कुछ नहीं है। इसका मतलब है मेरी ये जो लायबिलिटी है वो कितनी है, लायबिलिटी है मेरी 42,000 की, और मेरे पास 4,000, यानी कि 38,000 तो मैं नहीं पे कर पाऊंगा ना, तो दिस इज दी अनपेड कैपिटल, ये जो पे नहीं हो रही है, और यही अनपेड है, यही हमारी एक तरह से लॉस है जो पार्टनर्स को बियर करनी पड़ेगी। सो मैक्सिमम लॉस का मतलब है कैपिटल अकाउंट बैलेंस माइनस अवेलेबल कैश बैलेंस, माइनस अवेलेबल कैश बैलेंस, इससे ज्यादा अब मेरे पास पैसा नहीं है तो बाकी का सारा लॉस हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन पे ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। सो इन मैक्सिमम लॉस मेथड वी कैलकुलेट मैक्सिमम लॉस ऑन ईच रियलाइजेशन और
collection and distribute maximum loss to the partner in their profit sharing ratio. And the balance left is the amount to be paid to the partner. This process repeated continuously till the last realization occurred. हम हर स्टेप में रियलाइजेशन की लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब दूसरे कंसेप्ट को पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट है आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड या हायर रिलेटिव मेथड। इसमें क्या करते हैं, वी कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस पेड फर्स्ट। इसको समझाने के लिए मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। मेरे पास एबीसी है एंड कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो है 15,000, 18,000, 9,000, ठीक है? जो रेशियो है वो है 2:2:1। इसका मतलब है रेशियो है इनका 2:2:1। अगर आप, इसका मतलब है ये रेशियो 2:5, 2:5 और 1:5 है। सो कैपिटल अगर मैं कहूँ तीनों के हिसाब से 1/5 शेयर के लिए, तो कैसे निकालूँगा मैं? 15,000/2, 7,500, 9,000, चलो मैं इसको 8,000 कर देता हूँ, और 8,000। अब देखिए, इसकी कैपिटल 7,500 रुपये लगी है, इसकी 9,000 रुपये लगी है और इसकी 8,000 रुपये लगी है। तो सबसे लीस्ट है वो ये है, और सेकंड लीस्ट जो है वो ये है। सो अब आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं, किसको लेते हैं? टेकिंग लीस्ट एज बेस। ये ए बी सी है, रेशियो इनका 2:2:1। तो अगर मैं 7,500 को बेस मानूं, तो कैपिटल क्या होनी चाहिए? 15,000, 15,000, 7,500, ठीक है जी? फिर मैं निकालूंगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो सेकंड लीस्ट है उसको अगर मैं बेस मानूं, तो फिर मुझे ए को नहीं देना है, सेकंड लीस्ट मेरा सी है, तो उसके हिसाब से कैपिटल का जो रेशियो बनता है वो ये बनता है,
आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्या है? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं 15,000, 18,000, 8,000। 15,000, 18,000, 8,000। इसका मतलब है कि अगर गौर से देखें तो अभी तो 2,000 तो इसका एक्सेस यहीं से दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसे 2,000 पे करेंगे। फर्स्ट पे टू बी, तो बैलेंस कितने बचेंगे फिर इसके बाद? जब 2,000 इसे पे कर देंगे तो ये बैलेंस बचेंगे, ये इसे कुछ नहीं पे करा है, इसे भी कुछ नहीं पे। पहले हम इस स्टेज तक पहुंचे, अब इसके बाद हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए पे टू बी एंड सी कितने कितने, इसको 1,000 पे करो और इनको 500 पे करो। अब कैपिटल अकाउंट कितने बचे? 15,000, 15,000, 7,500। ये देखो लीस्ट वाले बेस पे आ गए। नाउ पे टू ए बी सी इन 2:2:1, और अब आप पे करते जाओ। तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल ये कहती है कि सबसे पहले आप जो हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट, उसको कम करो, पहले सेकंड लीस्ट तक लेके आओ, सेकंड लीस्ट से फिर सबसे जो लीस्ट वाला बेसिस है उस पे लेके आओ और वहाँ से पेमेंट करना कंटिन्यूसली शुरू कर दो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा ये चेंज कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। इसको मैंने 8,000 कर दिया और इसको मैंने 3,000 कर दिया। ये क्वेश्चन हमारे रेलेवेंट बन जाएगा इससे। ठीक है, और ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से रिजॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो समझते हैं। पहले हम कर रहे हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड में पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम करेंगे अपने हायर रिलेटिव मेथड से या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड से। ठीक है, सो जो अकाउंट लिखा जाएगा उसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, कितने पार्टनर हैं हमारे? तीन पार्टनर हैं ए बी सी। इसके बाद पार्टनर्स के लोन हैं और फिर आपके क्रेडिटर्स हैं।
ये और भी बढ़ सकते हैं, क्रेडिटर्स एज लोन और ये पार्टनर्स कैपिटल आ गए, ठीक है जी। अब आप लिखें बैलेंस, बैलेंस कितना है देखिए, क्रेडिटर है 3000 के, ए का लोन 5000 है, कैपिटल है 15000, 18000 और 8000, ठीक है जी। सो पहला रियलाइजेशन हुआ है 1000 रुपीज का। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, 500, रियलाइजेशन हुआ है 1000। इन्होंने बोला एक्सपेंसेस वर रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 500, फाइनली लेकिन 400 ही हुए। सो हम रिटेंड कर लेंगे एक्सपेंसेस के लिए कितने, 1000 रुपये कैश अवेलेबल है हमारी, इसे हम पे कर देंगे। किसको पे करेंगे, क्रेडिटर को पे करेंगे, ठीक है जी। अब क्रेडिटर का बैलेंस कितना बचा, 2000 रुपये, ठीक है। सेकेंड रियलाइजेशन, कितना हो रहा है सेकेंड रियलाइजेशन, 3000। इसमें पेड टू क्रेडिटर किया हमने 2000, बचा कितना, ये निल हो गया, और पेड टू एज लोन किया 1000, अब इनका बैलेंस आ गया 4000। थर्ड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन में चलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ उसे, इसे 4900 कर देता हूँ और इसे मैं 5000 कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड रियलाइजेशन में मेरे पास 4900 आए, इसमें पेड टू एज लोन किया मैंने 4000, अब बैलेंस कितना बचा, 900 रुपये। यहां से कंसेप्ट को समझना है, यहां पर जो बैलेंस है ये डैश हो गया, ये डैश हो गया, ये 15000, ये 18000 और ये 8000, ठीक है। अब आप सोचिए कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, टोटल कैपिटल है मेरी 41000, चार हजार बीस, तो 4020 हम बांटेंगे 2:2:1 में, 8020, 16040, 16040, ठीक है। तो ये 1040 और ये -20 और यहाँ आया 1960। इसके बाद
डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी ट्रांसफ़र कर देंगे किस पे, बी पे, तो 1040 यहाँ चले जाएंगे और ये 20 रुपये भी यहाँ चले जाएंगे। ठीक है जी, ये जो 900 रुपये हैं ये हमने कर दिए पेड टू बी। मैंने बताया ना हर स्टेज पर हमें निकालना होगा। अब फिर से हम देखेंगे कैपिटल बैलेंस कितने बचे। कैपिटल थे मेरे 15,000, पेड किया हमने नील, हर स्टेज पे निकालना होगा 15,000। अब ये बचा 17,100 और 8,000। ठीक है, अब अगला रियलाइजेशन देखें। नेक्स्ट रियलाइजेशन है आपका 5,000। तो मैक्सिमम लॉस निकालें, 40,100 माइनस 5,000 ये हो जाएगा 35,100। 35,100 आप ट्रांसफर करें 7020 1504 0 1504 0। ये माइनस 40 2060 980। नहीं, 15,000 नहीं, 14,040 होंगे ना, इसको करेक्ट कर देते हैं, 7,020 ये होगा 35,100, 7,020, 14,040, 14,040। तो बैलेंस आया इसमें 960 980 और ये कितना आएगा 3060। ठीक है जी, तो यानी कि ये पेड टू ए बी सी हो जाएगा, ये टोटल 5,000 ही होगा। नाउ कैपिटल अकाउंट के अब जो बैलेंस आएंगे वो यही वाले आ जाएंगे। ठीक है ना, क्यों, 15,000 में से जब आप 960 पे करोगे तो यही तो बचेगा। सो नेक्स्ट पेज पे ले जाएं। अब नेक्स्ट पेज पे आपको सिर्फ पार्टनर्स हैं आपके पास, सबसे पार्टनर्स कैपिटल के लिए आप लाइन खींचें। अब आप कहेंगे कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो कितने आ रहे हैं, 14,040 14,040 7,020। ठीक है जी, ओके। जो फिफ्थ रियलाइजेशन है वो है आपका 20,000 रुपये का। ठीक है, इसे मैं 20,000 कर रहा हूँ, फिफ्थ रियलाइजेशन आपका 20,000 का है, प्लस जो सरप्लस लेफ्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से आपके पास 100 रुपये बच गए थे, तो टोटल आपके पास 20,100 है। मैक्सिमम लॉस अब आपकी कितनी होगी, 35,100 कैपिटल है, 15,000 बटेगा 6,000 6,000
3000, तो पेड होगा हमारा 14,040 में से 6000 पे करेंगे, तो ये 20,100 ऐसे पेड हो जाएंगे। और ये हमारी अनपेड कैपिटल बचेगी 6000, 6000, 3000, और यही हमारी रियलाइजेशन की लॉस होगी। ठीक है, यही हमारी रियलाइजेशन की लॉस होगी। सो फ्रेंड्स, इसमें आपने जो करना था वो हर स्टेज पे रियलाइजेशन की लॉस को कैलकुलेट करना था। अब जैसे मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन कराया था और मैंने ये वर्किंग नोट बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम कैसे निकालें। इस प्रोपोर्शनेट कैपिटल के कंसेप्ट को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर जब तक आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो थर्ड रियलाइजेशन तक, तब तक सेम ही रहेगा, तब तक कोई चेंज नहीं है। मतलब हमें ये जो 900 रुपीज़ वाला जो बैलेंस बचा था इसके आगे हमारी मेथड अप्लाई होगी। तो मैं इसको वहीं से कंसेप्ट लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अब इस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। तीन पार्टनर हैं, ए बी सी। हमारे पास जो थर्ड रियलाइजेशन के पास बैलेंस बचा था वो था 900 रुपये। ठीक है, इनके जो कैपिटल के बैलेंस हैं वो है 15,000, 18,000, 8,000, यही बैलेंस है ना। तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहले किसको देना है? 15,000, 18,000, 8 में सबसे पहले बी को देना है, बी के बाद फिर बी और सी को देना है जब तक कि इनकी कैपिटल 2:1 में ना आ जाए। तो ये हमारा होगा पेड टू बी। अब हमारे पास कैपिटल आई 15,000, 17,100, 8,000। फोर्थ रियलाइजेशन जो है वो हमारा हुआ था 5,000 रुपये का। इसमें से फर्स्ट पे करेंगे हम किसको? बी को। कितना पे करेंगे? इतना पे करना है कि इनकी कैपिटल 16,000 और 8,000 हो जाए, यानी कि 1,100 रुपये आप इन्हें पे कर लें। अब नाउ पे टू बी एंड सी, कितना पे करना है? इतना पे करना है कि इनकी कैपिटल रेशियो में आ जाए, यानी कि बी को अब 1,000 देना है और सी को 500 रुपये देना है। तो यहाँ पर हमने 1,100 रुपये दिए और यहाँ पर हमने 1,600 रुपये दिए। हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 2,400। नौ, ये जो 2,400 बचे ये पे करो ए बी सी को। कितने कितने? 480, 960, 960, 14,040, 7,020। फिफ्थ रियलाइजेशन कितनी हुई? फिफ्थ रियलाइजेशन है मेरी 20,000 रुपये की।
जो एक्सपेंसेस से बच गए 100 रुपये, 20,000 पे टू ए बी सी, ये पूरे 20,000 सौ हम पे करेंगे, 4,020, 8,040, 8,040, 6,000, 6,000, 3,000, ये अनपेड कैपिटल है। यही हमारी रियलाइजेशन की लॉस है, ठीक है? जो हमारी अनपेड कैपिटल है वही हमारी रियलाइजेशन की लॉस है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करके बताया, जिससे आपको पूरा आइडिया हो कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ठीक है? चलिए, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ आया होगा, ठीक है? ये बहुत कॉन्सेप्ट की क्लास है, तो इसको अच्छी तरह से रिकॉल करिएगा। थैंक यू वेरी मच।